नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे थर्ड ब्लॉग वीडियो में। और आज हम लोग जो है ना आए हैं एक पहाड़ पर भगवान बुद्ध के मंदिर में। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या है यहाँ पर। काफ़ी ऊंचाई पे हम लोग आए हुए हैं, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए बाहर। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ क्या करने आए हैं, तो देखिए यहाँ पर जो हमारे शहर में एक यहाँ पर पूजा करते हैं बुद्ध धर्म वाले, तो वो लोग मतलब हमारे साथी थे, तो हमें भी बुला कर लाया है। ये हमारे ऑफिस का कार है जो मैंने ड्राइव करके लाया है। देखिए कितने ऊंचाई पर हम लोग हैं। ये बाद में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पर मंदिर है। देखिए हम लोग काफ़ी ऊंचाई पर आए हुए हैं। ये देखिए भगवान बुद्ध को एक बार दिखा देता हूँ। शायद धूप तेज है तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, मुझे भी नहीं दिख रहा है कुछ। देखिए मुझे पहले तो पता नहीं था कि ये लोग मतलब इतनी ऊंचाई पर यहाँ पर आएंगे, तो मैं अगर कैमरा लेकर आता, अभी मैं फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ, उतना अच्छा तो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी दिखाने की कोशिश करूँगा जितना हो सकेगा। तो देखिए वो वहाँ पर एक मंदिर है ऊपर। ये यहाँ पर नाग, और ये मतलब भगवान तो नहीं है, यहाँ का मंदिर जिसने बनवाया था वही होंगे शायद। जी यार मैं डर गया इसे देखकर। वो दो कार हमारे साथ आया है, और भी कार अभी बहुत तीन चार थो कार और त्रिविलर भी है साथ में। वो लोग अभी पीछे ही हैं, काफ़ी ऊपर ऊंचाई पर है, तो उन लोगों को शायद देर लग रही है। ये देखिए अब इन लोग, ये लोग जैसे पूजा करते हैं वैसे इन लोगों ने यहाँ पर दान कर दिए, दान के लिए। चलिए उस पर चलते हैं। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना,
वैसे तो मैं ब्लॉग वीडियो नहीं बनाता हूँ, पर जब भी कभी घूमने जाऊँगा, इससे भी सुंदर सुंदर नज़ारा है यहाँ पर हमारे शहर में मैं रहता हूँ वहाँ पर। अभी क्या हुआ कि मुझे मालूम भी नहीं था कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, तो ना मैं पहले से तैयार नहीं था, ऐसे ही बस बना दिया। लेकिन आगे से इससे भी अच्छा से अच्छा ब्लॉग वीडियो लाने का कोशिश करूँगा और घूमने भी अच्छी से अच्छी जगह पर जाऊँगा। तो वैसे तो मैं ब्लॉग वीडियो नहीं बनाता हूँ और मैं छोटा मोटा सिंगर हूँ, सिंगिंग करता हूँ हिंदी और भोजपुरी। आप मेरे चैनल में जाकर देखना ज़रूर, और कैसा गाता हूँ, क्या कमी है गाने में आप बताना ज़रूर, ताकि मुझे भी पता चले कि मतलब क्या है कैसे है। हाल ही में मैंने और एक गाना अपलोड किया है, जिसमें मैंने भाषा में हमारे यहाँ जो भाषा में मैंने उसको सब्सक्राइब किया है, आप लोग देखना ज़रूर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखिए काफ़ी नज़ारा है और मज़े लीजिए। देखिए आइसक्रीम खा रहा है ला दिनर वाम अमाते आया ही नहीं रहा वो ए आई चटालो लो ले मेरे साथ जितने लोग आए हैं सभी बर्मा लोग हैं, सभी मैं अकेला हिंदू हूँ कोई यहाँ हिंदू नहीं, हिंदू बोलना नहीं आता। देखिए काफ़ी सुंदर नज़ारा है, तुरु मला देवला नमा तो मैं ले यार मैं आओ देवला चा भी ना तू बता वो नदी है दोस्तों। ये हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं कुछ खाने का सामान लाने, भूख तो काफ़ी ज़रूरत लगी है, क्योंकि वहाँ पर कुछ मिलता नहीं है। ये नीचे बाइक से हम लोग कुछ खरीदने जा रहे हैं खाने का सामान। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर नज़ारा है, यहाँ पर बगल में धान लगा है और कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों इस पहाड़ से हम लोग नीचे गए थे और फिर वापस ऊपर आ गए हैं बस थोड़ी देर में, और फिर से अब हम लोग अपने घर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों अब हम लोग नीचे उतर गए हैं और अपने घर जाएंगे, क्योंकि मेरा फ़ोन का जो है बैटरी बहुत कम रह गया है, अभी कभी भी ये बंद हो सकता है। तो एक बार में हम लोग मैं घर जाकर वीडियो बनाऊंगा, ये कभी हम बंद हो जाए। तो देखिए काफ़ी सुंदर नज़ारा है, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं ब्लॉग वीडियो तो नहीं बनाता, लेकिन कभी कभी घूमने जाता हूँ तो बना देता हूँ, और
मैं एक छोटा मोटा सिंगर हूँ जो हिंदी गाने और भोजपुरी गाने गाता हूँ। आप मेरे चैनल में जाकर ज़रूर देखना, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। गाने ज़रूर देखना, कैसा गाता हूँ कमेंट करके बताना। कोशिश तो करता रहता हूँ अच्छा गाने की, लेकिन क्या करें जैसा है वैसा है, कोशिश तो जारी है। देखिए काफ़ी ऊपर और ये देखिए काफ़ी सुंदर नज़ारा है, और काफ़ी देर यहाँ पर ट्राई करना पड़ता है। ये रोड भी काफ़ी पतला है और काफ़ी ऊँचा बर्फ है, ऊँचाई बर्फ है। देखिए दोस्तों काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ पर, तो हम लोग पहाड़ से नीचे उतर चुके हैं। मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो फ़ोन जो है कार के बगल में रखा है। दोस्तों वहाँ पर जो मेरा फ़ोन था बैटरी लो होने के कारण बंद हो गया था, तो अब मैं अपने रूम में आ गया हूँ। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और बर्मा में चेदु अन्याय टे भाई धन्या। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, प्रणाम, मिंगलाबा।